आज पुलिस स्मृति दिवस है। ये दिन प्रतिवर्ष पुलिस कर्मियों की निष्ठा और सर्वोच्च बलिदान के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। वर्ष 1959 में आज ही के दिन लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स के दुर्गम क्षेत्र में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों ने वीरता और बलिदान की गाथा लिखी थी। इस मौके पर आज रायपुर में 4th वाहिनी सशस्त्र बल परिसर माना कैंप में पुलिस स्मृति दिवस परेड कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में राज्यपाल अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू शामिल हुए। इस दौरान 32 शहीद जवानों के परिवारजनों का सम्मान किया गया। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में देश भर में विभिन्न घटनाओं में शहीद हुए पुलिस जवानों समेत छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित क्षेत्र में शहीद हुए जवानों की वीरता का उल्लेख किया। हर चुनौतियों का सामना बहादुरी से किया, चाहे उसके लिए उन्हें अपने प्राणों की आहुति क्यों न देनी पड़ी हो। हमेशा प्रदेश नक्सल समस्या से जूझ रहा है, इन क्षेत्रों में तैनात हमारे जवान बड़े ही साहस के साथ नक्सलियों का सामना करते हैं। सही मायने में उन क्षेत्रों में विकास की अलख जगाने के साथ साथ वहां के भटके हुए लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने का भी कार्य करते हैं। पुलिस बल के जवानों ने चीनी आक्रमणकारियों का अत्यंत शौर्यपूर्वक मुकाबला किया। 21 अक्टूबर 1959 को इस मुठभेड़ में 10 जवानों की शहादत ने एक इतिहास रचा गया। यह घटना पुलिसिंग के कर्तव्यों और अंतहीन चुनौतियों की एक मिसाल है, जिसकी यादों को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। वहीं कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठपुर में भी आज पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में कोरिया जिले के 5 शहीद जवानों के परिवारजनों को विधायक अंबिका सिंह देव, जिला सत्र न्यायाधीश आनंद कुमार ध्रुव और एसपी संतोष सिंह ने शॉल और श्रीफल देकर सम्मानित किया। कोरिया के पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने बताया कि वर्ष 2020-21 में छत्तीसगढ़ में 31 जवान अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए शहीद हुए हैं। आज का दिन ऐसे जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का है। पूरे देश भर में 377 पुलिस के जवान जो है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग संस्थाओं में शहीद हुए हैं, और छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ से भी 31 पुलिस जवान 2020-21 की अवधि में शहीद हुए हैं। आज का दिन उन सभी शहीद जवानों और उनके परिजनों के लिए खास है। शहीद जवानों को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और जो उनके परिवार हैं उनके प्रति भी ये कृतज्ञता ज्ञापित करने का दिवस होता है। वहीं महासमुंद में पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर पुलिस लाइन में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाले 377 वीर जवानों का उल्लेख किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। मैं देता हूं पुलिस के सभी साथियों का, जिस पे बदौलत आज हम सुरक्षित हैं। और आज अगर हम देखते हैं तो कहीं दुर्घटना होती है, बाढ़ आती है, कोई मुसीबत आती है तो सबसे पहले हम पुलिस को याद करते हैं, और इसी के कारण आज इन्हीं के कारण आज हम सुरक्षित हैं। मैं इनको बधाई देता हूं और जो शहीद हुए हैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। कार्यक्रम में संसदीय सचिव विनोद चंद्राकर सहित पुलिस अधिकारी और सेना के सेवानिवृत्त जवान मौजूद थे।